Hi, I am Dr. Nagesh Chandra, Senior Consultant of Neurosurgery and Spine Surgery at Center for Brain and Spine, Dwarka. आज हम बात करेंगे दिमाग में पानी का दबाव बढ़ने की, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। यहाँ पे दिमाग में पानी ज़्यादा हो जाता है, जो काफ़ी अलग अलग कारणों से होता है। जैसे कि अगर दिमाग में पानी ज़्यादा बन रहा है, या जिन रास्तों से पानी निकलता है वो कम हो जाते हैं। कई बार ऐसे ट्यूमर्स ब्रेन में बन जाते हैं जो खुद से पानी सेक्रेट करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे दिमाग में पानी ज़्यादा हो जाता है एवं वो दिमाग पे दबाव देने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन के फंक्शंस कम हो जाते हैं, उसको हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। हाइड्रोसेफलस को ट्रीट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम ट्रीट करते हैं वो शंट सर्जरी द्वारा करते हैं, जहाँ पे एक पतली सी पाइप दिमाग से लेके या तो वो पेट में छोड़ दी जाती है ताकि एक्सेस फ्लूइड पेट के द्वारा निकल जाए। रेयर कंडीशंस में उनको लंग वाली कैविटीज़ या नहीं तो हार्ट की कैविटी में भी छोड़ा जा सकता है, जिसको वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है जब हम इसको दूरबीन से अंदर ही रास्ता बना देते हैं, जिसको एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी बोलते हैं। रेयर कंडीशंस में दवाइयों से भी काफ़ी बारी ये हाइड्रोसेफलस का इलाज होता है। So any patient who has this problem of hydrocephalus or has been diagnosed with hydrocephalus should definitely consider consulting us at Center for Brain and Spine Dwarka for further information regarding its management and treatment of hydrocephalus. Thank you.